वेलकम टू द सपोज ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स चैनल। आज हम वन पॉइंट लास्ट टाइम हमने 1.3 की एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में हमने कौन से किए थे, सॉरी थोड़ा चेंज हो गए। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने 5, 6, 7, 8 को किए थे, आज हम 9, 10, 11, 12 को करेंगे। 9 नंबर, देखिए एक दूसरे के वैसी प्रोकर्शन, ये दोनों एक दूसरे के उलट है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए की जगह मैं रखने जा रहा हूँ वाई। तो यहाँ तो वाई आएगा ही आएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/y, दैट इज व्हाट 7/12। तो इसकी आप अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये वाई हो जाएगी, एंड दैट इज वाई स्क्वायर माइनस के वाई, एंड दैट इज 7/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12y स्क्वायर माइनस के 12y हो जाएंगे, ये 1 होगा। यहाँ पर यहाँ मैंने ये गलती कर दी, ये यहाँ पर 1 होगा। y एलसीएम होगी तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस के 1, तो डेट इज 7/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस के 12, एंड दैट इज व्हाट 7y। को इस तरफ ले आए तो 12y स्क्वायर माइनस के 7y, एंड माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करें, 12 इज 144 के आप फैक्टर्स ले लें, क्या हो जाते हैं 2 का टेबल 7 टाइम, 2 टाइम 2 का टेबल 3 टाइम, एंड 6 टाइम 2 का टेबल 1 टाइम, एंड 8 टाइम 2 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम, एंड 3 का टेबल 1 टाइम। देखें हमें 7 बनाना है, तो मैं यूँ कह सकता हूँ 3 3 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 में से अगर 9 जाएंगे दैट वुड बी 7। सो 12y स्क्वायर माइनस के 16y लिख के मैं यहाँ पर प्लस के 9y लिख सकता हूँ, एंड माइनस के 12, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई। पहले दो में से आपका क्या कॉमन है, दैट इज अ 4y कॉमन। सो यहाँ हो जाएगा 3y और यहाँ पे हो जाएंगे ओनली 4 प्लस 3 कॉमन। सो 3 का टेबल इज 9 पर 3 टाइम और यहाँ 12 पर 4 टाइम, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 4y प्लस के 3 एंड 3y माइनस के 4, व्हिच इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएंगे 4y प्लस 3 इधर इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल 3 उस तरफ गए माइनस के 3, 4 जाके डिवाइड करेंगे। दूसरा पार्ट 3y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4/3 हो जाएंगे। रिटर्न द वैल्यू ऑफ y जो आपने सपोज कर लिया था, कौन सा ये वाला, तो ये हो जाएगा x माइनस a बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू माइनस के 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x माइनस के 4a होंगे। इससे अगर आप मल्टीप्लाई करें माइनस के 3x माइनस के 3a होंगे। 3x को इस तरफ ले आए, 4x प्लस के 3x माइनस के 4a को उस तरफ ले जाएं तो प्लस के 4a हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 7x एंड दैट इज a। तो x इज इक्वल्स टू a बाय c1 पहला रिजल्ट। दूसरे में फिर x माइनस a सेम ही x प्लस a इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, 4/3 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x माइनस के 3 ऑफ a, 4x फिर माइनस के प्लस के 4 ऑफ, 4x की तरफ 3x लेके जाएं तो 4x माइनस के 3x, और ये 4a इस तरफ ले आए तो माइनस के 3a माइनस के 4a, सो दैट वुड बी x एंड दैट वुड बी माइनस 7a। तो इसके दो सॉल्यूशन हुए, सॉल्यूशन सेट दैट इज व्हाट a बाय 7 एंड माइनस के 7a। ठीक है जी, ये तो पहला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में ये 10 से 12 तक 10 और 11 में एक ही मेथड लगे। मैं इसे थोड़ा सा यूं कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर के साथ,
टू एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर के साथ, टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, वन को एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये यहाँ पे हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स माइनस एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगी, तो ये यहाँ पर टू रह जाएंगे, यही रह जाएगा। मैंने कोई गलती कर दी है, मिस्टेक तो हुई है, देखें कौन सी मिस्टेक हुई है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को हमने दिया लेकिन यहाँ पे था टू एक्स, सो टू एक्स को बाय एक्स स्क्वायर भी देना था, और फिर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टू अपान एक्स रह जाएगा, यहाँ टू एक्स रह जाएगा, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओनली एक्स, ओनली टू रह जाएगा, फिर यहाँ पर टू अपान एक्स, और यहाँ पर प्लस के वन अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स में कंबाइन कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपान एक्स स्क्वायर, और जिसमें एक्स है वो कंबाइन कर लेता हूँ, टू एक्स एंड प्लस के टू अपान एक्स, ठीक है, ठीक है, और माइनस के टू बाहर में लास्ट में। अब ये यूँ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपान एक्स स्क्वायर को हम एक ब्रैकेट मान लेते हैं, यहाँ से टू को कामन लें माइनस टू को, तो ये एक्स माइनस के वन अपान एक्स कुछ यूँ, और माइनस के टू, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी हो जाएगी। अब मैंने देखें, ये थोड़े लंबे क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हम इसे सपोज करने, लेट एक्स माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब मुझे यहाँ पे तो मैं वाई रख दूंगा, लेकिन यहाँ मसला होगा, बीच में प्लस है, तो मैं इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, तो एक्स और इसका भी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म लगेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के टू प्लस के वन अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपान एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एन प्लस, यानी कि इसकी जगह हम रखेंगे वाई स्क्वायर प्लस के टू, तो रख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस के टू इसकी जगह, माइनस के टू अपनी जगह, इसकी जगह तो हमने वाई किया था, एंड माइनस के टू इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों खचाक से कैंसिल हो गया। अरे वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्सा हो गया। देखिए अब देखें, बड़ा आसान, y स्क्वायर माइनस के टू वाई इज इक्वल टू जीरो, y कॉमन, y माइनस के टू इज इक्वल टू जीरो, एक y जीरो के इक्वल, दूसरा y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टू। रिटर्न, यहाँ पे y का वैल्यू, यहाँ पे भी y का वैल्यू, दूसरा कोई नहीं, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, तो ये वाला y का वैल्यू मैंने रिटर्न करना है, तो देखें ये हो जाएगा x माइनस के वन अपान एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए स्केल सेम ले लें, x तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस के वन इज इक्वल टू, ये x जाके जीरो से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगी प्लस माइनस वन के स्क्वायर, x के वैल्यू आ गए प्लस माइनस रेडी वन, रेडिकल ना लिखें आप वन लिखें, तो ये आपके पास x का वैल्यू है, यहाँ पे रिटर्न करें x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके x माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू टू, सेम प्रोसेस x, ये हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस के वन एंड इज इक्वल टू टू, टू को x को उस तरफ ले जाए तो x स्क्वायर माइनस के वन दैट वुड बी इक्वल टू टू एक्स, टू एक्स को इस तरफ ले जाए तो ये फिर अगेन एक क्वाड्रेटिक की कंडीशंस बन गए। चलें फिर इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सिंप्लीफाई करना होगा या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, मैं कंप्लीटिंग से करता हूँ, तो मैं कहता हूँ माइनस के एक्स नहीं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही होगा क्योंकि इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा जी, मैं गलत तो नहीं हूँ, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस के वन, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू माइनस टू, सी का वैल्यू माइनस वन, सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर ए सी, जहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक ना हो ना आप क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा दें या कन्फ्यूजन हो तो फिर भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक्स इज इक्वल्स टू बी का वैल्यू माइनस टू था, प्लस माइनस बी का वैल्यू माइनस टू था, ए का वैल्यू वन था, सी का वैल्यू माइनस वन था, अंडर द स्क्वायर रूट बाय टू ऑफ ए, व्हाट इज ए, ए इज वन। सो एक्स इज इक्वल्स टू टू प्लस माइनस फोर एंड माइनस इंटू माइनस प्लस का फोर रेडिकल एंड बाय टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू टू प्लस माइनस, ये हो जाएंगे एट रेडिकल के टू बाय टू। तो यहाँ से आप यूं कर सकते हैं कि एट के रेडिकल टू हो जाते हैं अपान टू, टू ऊपर से कॉमन, तो आपके पास वन प्लस माइनस रेडिकल के टू बाय टू, टू टू से कैंसिल। तो एक्स का क्या रिजल्ट आया, एक्स का रिजल्ट आया वन प्लस माइनस रेडिकल के टू। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट वुड बी प्लस माइनस वन और फिर वन प्लस माइनस रेडिकल के टू, ये इसके सॉल्यूशन सेट। अगर डिग्री फोर हो, पावर फोर हो किसी क्वेश्चन तो उसके चार आंसर्स आते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर टेन। चले क्वेश्चन नंबर इलेवन को देख लेते हैं। इलेवन में कहानी सेम है, तो आप इसे एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो, टू एक्स पावर फोर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर के साथ, सिक्स एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ, टू को एक्स स्क्वायर के साथ इज इक्वल टू सी, बड़े हैं। चलिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा एक्स, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा सिक्स, और इसका वन अपान एक्स। चलिए इसका टू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर वाले टर्म्स में कंबाइन कर लेता हूँ, टू एक्स स्क्वायर प्लस के टू बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के एक्स एंड प्लस के वन अपान एक्स एंड माइनस के सिक्स को हम लास्ट में रखते हैं। पहले दो में से टू कॉमन है, तो टू को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपान एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स एंड माइनस के सिक्स इज इक्वल टू सी। सपोजिशन करनी होगी वैसे ही जैसे हमने पहले भी की थी। चलिए एक्स प्लस वन अपान एक्स को मैं ले लेता हूँ एज अ वाई, तो यहाँ पे स्क्वायर हैं तो मैं इसको यूं कर देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमने स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड ले लिए, दैट इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। इसे आप ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से ओपन करेंगे तो ये टू प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर होगा एंड दैट इज वॉट वाई स्क्वायर। 2 को इस तरफ ले जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के टू, तो इसकी जगह हम रखेंगे ये वाला वैल्यू, तो रख दे के देखते 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस का टू, इसकी जगह y और फिर माइनस के 6 इज इक्वल टू जीरो, टू वाई स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के y माइनस के 6 इज इक्वल टू जीरो, टू वाई स्क्वायर प्लस के फोर वाई अपनी जगह आए और फोर एंड सिक्स वुड बी टेन दैट इज इक्वल टू जीरो। आगे मिडिल टर्म ब्रेक करें, फोर एंड फाइव बड़े आसानी से हो गया, कैसे टू वाई स्क्वायर प्लस के फाइव वाई लिखें फिर माइनस के फोर वाई लिखें और फिर माइनस के टेन इज इक्वल टू जीरो, पहले दो में से वाई कॉमन है तो 2y प्लस के 5 फिर माइनस के 2 कॉमन है तो ये हो जाएंगे 2y प्लस के 5 इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा y माइनस 2 एंड 2y प्लस के 5 इज इक्वल टू जीरो, y माइनस 2 इधर इक्वल टू जीरो और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल्स टू टू, वाई टू के इक्वल होगा या फिर टू वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड वाई वुड बी इक्वल्स टू माइनस फाइव अपान, अब दो वैल्यूज, अब मुझे y का वैल्यू टर्न बैक करना है,
देखें दो वैल्यूज हैं, तो आप पहले ये वाला वाई का वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो इसका वैल्यू, वाई का वैल्यू अगर मैं इसके लिए रिटर्न करूँ, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू टू। तो यहाँ सबसे पहले एक्स एलसीएम निकलेगी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का वन दैट इज इक्वल टू टू। सो टू एक्स उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा टू एक्स, तो हो गए एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स प्लस के वन इज इक्वल टू जीरो। ये एक फार्मूला बनता है बेटा कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एक्स इज इक्वल टू वन, ये एक्स का वैल्यू वन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड फिर वन माइनस का उस तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। इसके लिए भी रिटर्न करते हैं, और इसके लिए मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ क्योंकि यहाँ तक हम एलसीएम निकालेंगे तो सेम आएगी, यही वाई का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपान एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के फाइव अपान टू। क्यों रिटर्न किया ये वाला मैंने, क्योंकि ये इसकी ही आंसर, इसकी आंसर था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू, ये क्या हो जाएगा माइनस का फाइव एक्स। ले आए इस तरफ टू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का फाइव एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो। ये यूं होगा मिडिल टर्म ब्रेक के, हम क्या करेंगे फोर एक्स एंड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना होगा, देखिए पहले दो में से आप टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स को कॉमन लें तो एक्स प्लस टू, फिर आप प्लस वन कॉमन लें तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सो टू एक्स प्लस वन एक, फिर एक्स प्लस टू दूसरा इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये इसके टू एक्स प्लस वन इधर इक्वल टू जीरो या एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। इसके फोर आंसर्स आएंगे, आप कहेंगे सर तीन हैं फोर हैं, क्योंकि ये यहाँ पर दो रिपीटेड होंगे, तो वन ऑफ वन का मान लिख सकते हैं माइनस का वन अपान टू एंड माइनस का टू, ये इसके फोर आंसर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 12 की तरफ चलते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्या है 12? बड़ा आसान है और इसे थोड़ा सा देखेंगे आप। ये कहता है फोर, ये डेसिमल नहीं, ये इनटू है मल्टीप्लीकेशन, टू के ऊपर टू एक्स है, और मैं एक ला लगा देता हूँ कि वैसे सेम होते हैं तो पावर ऐड होते हैं, तो इसका पावर वन है, ना लिखें आप कोई इशू नहीं, ये इनटू है मल्टीप्लीकेशन। फिर माइनस के नाइन इंटू टू पावर एक्स, फिर प्लस के वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम यूँ कह देते हैं क्या कि टू पावर एक्स को मैं वाई ले लेता हूँ और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा, तो ये टू पावर टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसकी जगह वाई स्क्वायर। फोर टू जा एट वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये तो बड़ा आसान है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, एट वाई स्क्वायर माइनस एट वाई माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। पहले दो में से एट वाई कामन वाई माइनस वन कामन वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एट वाई माइनस वन एंड वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एट वाई माइनस वन इधर इक्वल टू जीरो और वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देखिए वाई इज इक्वल टू वन अपान एट, एक वैल्यू आया, दूसरा क्या आएगा वाई इज इक्वल टू वन, रिटर्न द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू ये सपोज किया हुआ है। सो टू पावर एक्स, तो मैं अब ऐसा कहता हूँ एट को ऊपर ले आता हूँ माइनस के वन हो जाएंगे। अब हमने एक जानते हैं कि बेसिस अगर इक्वल हों तो पावर्स इक्वल हो जाते हैं, तो ये बेसिस मैंने इक्वल कर दिए टू का क्यूब निकाल के, एक्स का वैल्यू आया माइनस का थ्री। चलिए इस तरफ भी देखें टू पावर एक्स, अब क्या करेंगे सर यहाँ बेसिस तो सेम नहीं हो सकते, हो सकते हैं टू का पावर जीरो एक्स का वैल्यू जीरो। सॉल्यूशन सेट क्या हुए दैट इज आर माइनस थ्री एंड जीरो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। सो ये चार पार्ट अभी कंप्लीट हुए और उसके बाद लास्ट पार्ट आएगा इस एक्सरसाइज का, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए।